हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देखिए क्लासेस। आपका अपने देखिए क्लास में स्वागत है। हम लोग सर्वे में थ्योरी लाइट पढ़ रहे थे। आज थ्योरी लाइट में इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोग टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट ऑफ थ्योरी लाइट पढ़े थे। आज पढ़ेंगे परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थ्योरी लाइट। उससे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस लेक्चर का, यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF कैसे मिलेगा? और PDF के लिए टेलीग्राम पर आपको जाना है। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में है। वहाँ से इस लेक्चर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिए हैं तो धन्यवाद आपके लिए, ठीक है। आप दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। आप लेक्चर को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। कमेंट ज़रूर करिए कि आज का लेक्चर कैसा लगेगा आपको, आगे उस बारे में कमेंट भी करना है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोग क्या मतलब पढ़ाए थे आपको, उसमें हम लोग किए थे, ठीक है, सब चीज़ ओके है। फंडामेंटल लाइन्स ऑफ थियोडोलाइट, जो थियोडोलाइट का फंडामेंटल लाइन यानी कि जो मूल लाइन जिसे कहते हैं बेसिक लाइन, उसके बारे में डिस्कस किए थे। ये था मेरा वर्टिकल एक्सिस, देख लीजिए, आप देख सकते हैं फिगर में, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका है वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। ये था हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। अब ये है लाइन ऑफ कोलिमेटर, ये है एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। तो इन सब के बारे में डिटेल डिस्कस भी हम कर चुके हैं। और जो इसमें जो थोड़ा लाइट में जो टर्म होती है टर्मिनोलॉजी, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर देखिए, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। इसमें आज डिस्कस हम लोग करेंगे। और एक चीज़ देखे थे इसमें, जो जब आपको हम फंडामेंटल लाइन ऑफ थोड़ा लाइट वहाँ पर बताए थे, यहाँ पर बताए थे हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस के लिए। इसके लिए स्पायर टेस्ट करेंगे। वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, इसके लिए प्लेट लेवल टेस्ट करेंगे। लाइन ऑफ कोलिमेशन परपेंडिकुलर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए, एजीमुथ टेस्ट करेंगे, ठीक है, ये सब। और एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब पैरेलल होना चाहिए लाइन ऑफ कोलिमेशन के, इसके लिए वर्टिकल आर्क इंडेक्स टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर एक चीज बताए थे, ये क्या है? ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। डायफ्राम ऐसे प्रकार से इसको कहा जाता है क्रॉस हेयर्स, और क्रॉस हेयर्स के साथ साथ एक होता है स्टेरिया हेयर। ये क्या? स्टेरिया हेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्टिकल हेयर है, ये वर्टिकल हेयर, यहाँ जो वर्टिकल हेयर आप देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए। इसके लिए कहते हैं वर्टिकल क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट। यदि ये वाला लेक्चर आप नहीं देखे हैं फंडामेंटल लाइन ऑफ थियोडोलाइट, तो आज का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, तो पहले वो जाकर देखें, तभी आज का लेक्चर समझ में आपको आएगी, ठीक है। तो लेक्चर को आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज मेरा टॉपिक है परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट, ठीक है। देख लीजिए, टेम्पररी एडजस्टमेंट थियोडोलाइट हम लोग पढ़े थे। जब काम करते हैं थियोडोलाइट से, वर्किंग करेंगे थियोडोलाइट से, तो काम करने के समय में हर एक स्टेशन पर या एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर आप जाइएगा सर्वे करने के लिए, तो ट्राइपॉड को, ट्राइपॉड के ऊपर जो आपका ट्राइपॉड में थ्री लेग होता है उसके ऊपर थियोडोलाइट को सेट करना पड़ता है, लेवलिंग करना पड़ता है, सेंटरिंग फोकसिंग सब करेंगे, उसके बाद रीडिंग लेते हैं। ये तो हम खुद से करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट में जनरली ये हम लोग नहीं करते हैं। परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट ये फैक्ट्री से जब बन करके थियोडोलाइट आती है, चाहे आप लेवलिंग में भी पढ़े होंगे, लेवलिंग जब पढ़े होंगे थर्ड सेमेस्टर में, तो वहाँ भी था परमानेंट और टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ लेवलिंग, वहाँ पर था डंपी लेवल के बारे में, यहाँ थियोडोलाइट के बारे में है, तो उसी वही कंसेप्ट यहाँ भी है। तो परमानेंट एडजस्टमेंट और थियोडोलाइट क्या है? परमानेंट एडजस्टमेंट इन वर्नियर थियोडोलाइट, कौन थियोडोलाइट की बात कर रहा है? वर्नियर। वर्नियर थियोडोलाइट क्या होती है? जो थियोडोलाइट हम पढ़े थे, फिगर आप देखे थे, वो थियोडोलाइट वर्नियर थियोडोलाइट ही था, ठीक है। तो परमानेंट एडजस्टमेंट इन वर्नियर थियोडोलाइट आर कैरीड आउट टू एस्टेब्लिश सेम फिक्स्ड रिलेशन बिटवीन द फंडामेंटल लाइन ऑफ थियोडोलाइट, यानी कि वही रिलेशन होता है, यानी कि परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट वही है जो फंडामेंटल लाइंस ऑफ वर्नियर थियोडोलाइट के बीच में रिलेशन है। यानी कि कौन रिलेशन की बात ही कर रहा है? यानी कि वो बात कर रहा है इसी रिलेशन के बारे में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसके इस सब बात अभी जो किए थे ना, इसी के बारे में बात कर रहा है। ये जो होती है ना, यही एडजस्टमेंट जो फैक्ट्री में जो बन कर आती है मेरे पास, जो हम लोग नहीं करते हैं, उसी को कहा जाता है परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट, ठीक है। तो वही है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एज देयर आर, कितना होती है परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट? एज देयर आर फाइव फंडामेंटल, ठीक
ठीक है, लाइंस इन भरनेट फेरलाइट, पांच को फंडामेंटल लाइन होती है, आप देखिए वहाँ जा कर के गिना देते हैं आपको, है देखिए पांच को फंडामेंटल लाइन है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 है ना, यही जो पांच ठो यानी कि 5 फंडामेंटल लाइंस है फेरलाइट का, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर एज देयर आर 5 फंडामेंटल लाइंस इन भरनेट फेरलाइट हैंड्स देयर विल बी 5 परमानेंट एडजस्टमेंट इन भरनेट फेरलाइट, क्योंकि भरनेट फेरलाइट में 5 ठो यानी कि 5 फंडामेंटल लाइंस होती है, इसीलिए भरनेट फेरलाइट में 5 परमानेंट एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। पहला आपका है हॉरिजेंटल एक्सिस एडजस्टमेंट, अभी आप पढ़े थे वहाँ, तो हॉरिजेंटल एक्सिस होना चाहिए परपेंडिकुलर एक्सिस के, किसके परपेंडिकुलर एक्सिस जो होता है यानी कि वर्टिकल एक्सिस, यानी कि हॉरिजेंटल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, ये होना चाहिए, एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, यदि नहीं है तो आप करिए। अब ये कैसे करते हैं, ये एस्पायर टेस्ट से किया जाता है, और एस्पायर टेस्ट क्या है आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस नहीं है, कहीं पूछबो नहीं करेगा, ठीक है। हॉरिजेंटल एक्सिस इज एडजस्टेड बाय यूजिंग स्क्रू, स्क्रू की मदद से हॉरिजेंटल एक्सिस को एडजस्ट किया जाता है, आपको नहीं पढ़ना है, आप मत जानिए, आपको सिर्फ सेमेस्टर में भी है इतना ध्यान रखना है, कंपटीशन में भी पूछता नहीं है क्या होती है एस्पायर टेस्ट, जनरली मेंस में पूछा जाता है, SSC JEE के मेंस में पूछता है, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हॉरिजेंटल एक्सिस एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि हॉरिजेंटल एक्सिस होना चाहिए मस्ट बी परपेंडिकुलर वर्टिकल एक्सिस, इसके लिए एस्पायर टेस्ट पर, बात खत्म है, आगे चलिए। अब उसके बाद है वर्टिकल सर्कल इंडेक्स एडजस्टमेंट, जो वर्टिकल सर्कल होती है, वर्टिकल सर्कल क्या होती है आप पढ़े हैं, वर्टिकल सर्कल क्या होती है तो वर्टिकल सर्कल का जो रीडिंग है उसको एडजस्टमेंट करना है, तो वर्टिकल सर्कल इंडेक्स मस्ट बी रीड 0, वहाँ जो वर्टिकल सर्कल है ना, उस वर्टिकल सर्कल में भी 2 वर्नियर लगा होता है, एक ऊपर वर्नियर लगा होता है, एक नीचे वर्नियर लगा होता है रीडिंग देखने के लिए, जैसे आप देखे थे किस में वर्नियर लगा होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली में देखे थे एक वर्नियर यहाँ है एक वर्नियर यहाँ लगा हुआ है, उसी प्रकार से वर्टिकल सर्कल इंडेक्स वर्टिकल सर्कल जो आपका उसमें भी 2 वर्नियर लगा होता है, तो वो रीडिंग 0 पढ़ना चाहिए, यानी उस पर 0 लिखाना दिखना चाहिए अच्छा तरीका से, तो वर्टिकल सर्कल इंडेक्स मस्ट बी रीड 0, ठीक है, व्हेन टेलीस्कोप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, कब करेगा 0 रीड, जब टेलीस्कोप क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट का जो टेलीस्कोप है वो परफेक्टली क्या होगा, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगा इंस्ट्रूमेंट का फेरलाइट आपका जो है फेरलाइट का जो टेलीस्कोप है, ठीक है, वो टेलीस्कोप जब परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगा तो वर्टिकल सर्कल में जो वर्नियर लगा है उसमें मस्ट बी रीड 0, आप उसमें 0 देख सकते हैं, तो ठीक है, नहीं तो फिर गल इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप हॉरिजॉन्टल पूरा कीजिएगा ना टेलीस्कोप को, तो यदि वहाँ यहाँ पर लिखा है मान लीजिए 0 और यहाँ पर लिखा हुआ 1, तो सुइया यहाँ 0 पर आकर रुकना चाहिए, नहीं कि 1 पर रुके इधर रुके, इधर उधर लेफ्ट राइट का दिक्कत है, पूरा पूरी 0 कंसाइड करना चाहिए, ये हुआ इसका मतलब, अब समझ में आया होगा, लेकिन 1% फेरलाइट में ये ज़रूरी नहीं आपके लिए, आपने मन समझ लिखे हैं आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसा होती है जो आप छोड़ चलना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपटीशन का है मेरा कॉपी, तो सेम चीज़ देखिए कंपटीशन, ये जो नोट्स है ना ये कंपटीशन का नोट्स है, मेरा जो सेमेस्टर हम पढ़े थे वो नोट्स अभी मेरे पास है नहीं एक्चुअली में, तो सेम चीज़ वहाँ भी एक चीज़ बात एक चीज़ पढ़ना होता है, ठीक है, इसीलिए आपको कह रहे हैं आप देख लीजिए सब चीज़, इसीलिए इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा कभी बता देते हैं, जो ज़रूरी आपको बताना, जो नहीं है वो हम स्किप कर देते हैं, तो वर्टिकल सर्कल इंडेक्स एडजस्टमेंट क्या होती है, तो वर्टिकल सर्कल इंडेक्स मस्ट बी रीड 0, 0 रीड करना चाहिए, तो देख लिए, आगे देखेंगे हम लोग, आगे हैं प्लेट लेवल एक्सिस एडजस्टमेंट, आगे क्या है प्लेट लेवल एक्सिस एडजस्टमेंट, तो प्लेट लेवल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, प्लेट लेवल यानी कि प्लेट का जो एक्सिस होगा उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो वो कहता है प्लेट लेवल एक्सिस होना चाहिए परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, ये होना चाहिए, ठीक है, आगे देखिए डी नंबर में क्या है एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस, आपको एग्जाम में क्या करना है ना, ये जो मेन मेन पॉइंट आप देख रहे हैं ना, जैसे बी में क्या है ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज़ बात रखना है ध्यान में, तो उस प्रकार से पॉइंट बना के ए में हॉरिजॉन्टल एक्सिस एडजस्टमेंट आप देखें, बी में देखें वर्टिकल सर्कल इंडेक्स एडजस्टमेंट देखें, सी में देखें प्लेट लेवल एक्सिस एडजस्टमेंट देखें, अब डी में देखिए डी में क्या है, ठीक है, डी में देखते हैं डी में क्या है, डी में देखिए
डी में है एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस एडजस्टमेंट। क्या है एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस? आप एल्टीट्यूड क्या होती है ये सब बता चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते, इसीलिए कह रहे हैं सीरियली आप देखिए तभी कंसेप्ट होगा क्लियर। जो एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस उसको भी करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, वो कैसे होगा? तो एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू द लाइन ऑफ कोलिमेशन। जो आपका एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस है वो किसके पैरेलल होना चाहिए? लाइन ऑफ कोलिमेशन के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। और ई नंबर में क्या है? ई नंबर में है एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन, इसको भी करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। तो लाइन ऑफ कोलिमेशन मस्ट बी पैरेलल टू द एल्टीट्यूड लेवल, ठीक है। एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए लाइन ऑफ कोलिमेशन, ठीक है। लाइन ऑफ कोलिमेशन जो आपका होगा वो एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। एंड इट शुड बी पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डायफ्राम। और लाइन ऑफ कोलिमेशन किससे पास होना चाहिए? सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सेंटर ऑफ डायफ्राम, ये भी बता चुके हैं, सारा चीज डिस्कस हो चुका है। इसीलिए शुरू शुरू में आप देखिए, इसके लिए एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन के लिए टू पेग टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन। इसके लिए टू पेग टेस्ट किया जाता है, समझे? इसके लिए टू पेग टेस्ट। अब टू पेग टेस्ट क्या होता है, आपको पढ़ना उड़ना नहीं है, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, आपको ध्यान रखना है, कहीं पूछो कोई पूछवो नहीं करेगा टू पेग टेस्ट क्या होता है, झूठा मसाला लगाना से कोई फायदा नहीं है। तो सिर्फ इतना जान लीजिए कि एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू पेग टेस्ट किया जाता है, बात खत्म। कोई भी टेस्ट आप सिलेबस देख सकते हैं, आपको कोई टेस्ट उस नहीं पढ़ना है। तो एक्स्ट्रा नोट्स आपको दे रहे हैं कुछ, आपको हम बतेवे कि जैसे हम जो आपको जिस हिसाब से लेकर चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कंपटीशन का भी दे रहे हैं, यानी कि कंपटीशन का है कहीं सेमेस्टर कंपटीशन बराबर है, दोनों बराबर है, वही चीज़ समय पढ़ना पड़ता है। अब देखिए नोट में क्या लिखा है, इरा ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी अब यहाँ समझाने वाला बात, जैसे देखिए आप देखिए, एक होता है प्लेट लेवल ट्यूब, एक होता है ऊपर ए टैप का जो है ए फ्रेम। तो एक एक्स दो एक्सिस प्लेट लेवल ट्यूब से नीचा का एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ए है, और उससे ऊपर का मान लीजिए क्योंकि पूरा वर्टिकल एक्सिस एक ही होगा पूरा इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। यदि ये वर्टिकल एक्सिस मान लीजिए आधा इंस्ट्रूमेंट का वर्टिकल एक्सिस ये है, आधा का थोड़ा इसे घसका हुआ है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल असेंबली का, ये हो गया वर्टिकल असेंबली का, ऐसे है, यानी कि पूरा जो उसका दोनों का वर्टिकल एक्सिस आमने सामने नहीं है, थोड़ा सा बीच में गैप है, इसी गैप को कहा जाता है इसेंट्रिसिटी। वही कहा है, इरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर इट इज़ काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। यदि ऐसा है वर्टिकल एक्सिस पूरा इंस्ट्रूमेंट का सेम वर्टिकल एक्सिस नहीं है, वो इरर जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो, ठीक है, व्हिच कांट बी एलिमिनेटेड या एडजस्टेड, उसको आप एलिमिनेट या एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इससे ऊपर जो भी था उसको आप एलिमिनेट या एडजस्ट कर सकते थे, ठीक है, लेकिन जब इसेंट्रिसिटी होगा, ठीक है, इरर इसेंट्रिसिटी इरर होगा वर्नियर में, तो उसको आप एडजस्ट या एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अब क्या करेंगे, बाय टेकिंग एवरेज ऑफ बोथ द वर्नियर वी कैन गेट द करेक्ट रीडिंग। तब आप क्या कर सकते हैं, बाय टेकिंग एवरेज ऑफ बोथ वर्नियर, तब वर्नियर जब आपको होता है ना एक ही रीडिंग को, जिसको एक रीडिंग लेना है ना, एक ही रीडिंग को दोनों वर्नियर हम लोग पढ़ते हैं, और दोनों का क्या करते हैं, बाय टेकिंग एवरेज ऑफ बोथ द वर्नियर वी गेट टेकिंग करेक्ट रीडिंग, करेक्ट रीडिंग ले लेते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, आगे लेक्चर जस्ट बहुत जल्द आएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।